हाय दोस्तों, कैसे हैं? ये निफ्टी का मार्केट और आज इक्कीस तारीख का 2 बजे, अभी 2:45 हो रहा है, तो मार्केट रनिंग है। 10,618 पे अभी चल रहा है, 37 पॉइंट के लॉस के साथ। एडवांस 26 है, डिक्लाइन 23 है। और अगर आप देखें इंडेक्स वाइज चले, आप सारे इंडेक्स को देखें अगर, तो आप देखेंगे यहाँ पे लाइव मार्केट में, इसलिए कि आपको निफ्टी बैंक बाय करना है तो निफ्टी भी बाय करना है, दोनों जो बाय करना है। और आप 26,304 पे निफ्टी बैंक चल रहा है, तो आप इसमें अच्छी खासी एक बाई सिग्नल आपको देखने को मिल सकती है। तो जिसको तुरंत लेना है तुरंत बाई कर सकते हैं। निफ्टी बैंक बाई करना है, निफ्टी 50 भी बाई करना है। निफ्टी बैंक चल रहा है 26,304, और आपको लाइव मार्केट पे लेके चलता हूँ निफ्टी बैंक में। ये देखिएगा, लाइव में बाई सिग्नल जनरेट है, और ये देखिए कॉम्पिटेटिव चैनल MACD दोनों क्रॉस करके एक दूसरे को निकल रहा है। तो निफ्टी बैंक बाई कीजिए आप। अभी चल रहा है, अभी करंट रेट है इसका 26,301 का चल रहा है, और चूंकि 26,300 सपोर्ट कर रहा है, इसके लिए भी बाय करना है। निफ्टी का भी ये करंट लेवल है। अब निफ्टी में देखिए बाय सिग्नल यहाँ पे कॉम्पिटेटिव CCI दे रहा है, और ये ऊपर की ओर क्रॉस ओवर करने को तैयार है, तो निफ्टी में बाय करना है। निफ्टी अभी चल रहा है 10,615 के आसपास चल रहा है, तो 10,600। कारण क्या है उसका, कारण बताता हूँ। ये डॉ का चार्ट है, ये डॉ जोन्स का चार्ट चल रहा है। तो डॉ जोन्स के चार्ट को अगर आप देखेंगे, ये फ्यूचर के डॉ को, तो देखिए कल जो अच्छी खासी गिरावट हुई है उसके बाद आप ये रिकवरी ले रहा है 6,570 में। 24,500 को जो इसने बनाया था, कल लो बनाया था, वो लो 24,355 बना के 24,437 पे क्लोजिंग दी थी। बट अब देखिएगा डॉ जोन्स में भी देखिएगा, ये एक बॉटम पैटर्न था यहाँ पे, जो 24,358 के आसपास था उसको टच करते हुए ये ऊपर की ओर ले लिया, और डबल बॉटम फॉर्म कर चुका है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अब यहाँ से अपसाइड ले रहा है, और अब यहाँ से अपसाइड लेकर के जैसे ही डॉ आज क्लोजिंग जो भी देगा 24,700 क्रॉस करता है, तो 25,000 के ऊपर चला जाएगा। तो अच्छा खासा डॉ में रिकवरी हो सकती है आपको देखने को मिली। इसका इम्पैक्ट आपको इंडियन मार्केट में कल देखने को मिलेगा। इसके लिए ये भी रीजन है, यहाँ से जब रिकवरी मिलेगी तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी आपको भाव देखने को मिलेंगे बैंक निफ्टी में। और अगर देखें तो अब यहाँ पे पहला क्रॉस जो डॉ का है 24,700 का है, और 24,700 क्रॉस करता है तो 25,000 को टच करने की कोशिश करेगा। और चूंकि अच्छा खासा यहाँ से भाव से गिरा हुआ है, अच्छा खासा भाव गिरा, तो एक बार तो आपको यहाँ से डॉ हो सकता है 25,000 तक के भाव को दिखा दे। तो इसके लिए इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों बाय करके चले। बैंक का जैसे निफ्टी का टारगेट 700 है, 27,000 के टारगेट के लिए, तो यहाँ 27,000 आपको देखने को मिल सकता है। वापस मैं आपको आपका डिले नहीं करूँगा। आप अगर आप जो भी देखना, ओपन हाई लो यहाँ पे चार्ट पे है, लाइव मार्केट पे वापस अपन चले जाते हैं, या बैंक निफ्टी के लाइव मार्केट पे जाना तो बैंक निफ्टी बैंक पे चले जाते हैं। तो निफ्टी बैंक आप देखेंगे अभी जो लास्ट 24,310 का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, 197 पॉइंट से अप है, 0.06 से अप है। अच्छा खासा वॉल्यूम हो रहा है इसमें, वॉल्यूम इसमें इतने लाख का, 13 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम भी जनरेट हो रहा है। अगर इसके ऑप्शन चार्ट को एक बार डिले हो जाएगा, इसके लिए मैं आपको एक बार, आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में अपनी बाई की पोजीशन बना सकते हैं। ये अच्छा ट्रेंड चल रहा है, और डो से मेरे को यहाँ से जो दिख रहा है, यहाँ से अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है डो से, और डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है। अगर टूटता है, अगर डो किसी कारण से यहाँ से टूटता है, तो यहाँ से 700 से 800 पॉइंट टूट जाएगा। इसलिए और जो बाइंग सिग्नल आप देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं इसको आवरली चार्ट पे भी बताऊँ, तो बाइंग सिग्नल ये, अगर मैं इसको आवरली चार्ट पे भी एक बार आपको डो को ले चलूँ मैं, तो यहाँ पे एक देखिए अप ट्रेंड ही यहाँ से बन रहा है, शुरू से यहाँ से अप जा रहा है फ्यूचर की ओर। तो ठीक है, यहाँ से एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है अपने को, तो यहाँ से अच्छा रहेगा। जो फिर भी कोई पोजीशन बनाना, तो अपने पेपर ट्रेडिंग करें और उसके बाद ही पोजीशन बने। वापस मैं आपको निफ्टी पे ले जाता हूँ, अपने निफ्टी 10,620 पे आ रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है। तो चलिए आज अभी इसको आपके लिए, पेपर ट्रेडिंग के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए निफ्टी निफ्टी पे व्यू था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।